डांस इंडिया डांस की नहीं मैंने जब कोलकाता ऑडिशन दिया था मैंने कभी सोच के नहीं आया था कि मैं इतनी दूर आ जाऊंगी। मैंने सिर्फ मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया था कि मुझे मेगा ऑडिशन में सिर्फ GTV में थोड़े से मुझे देखना है, बस मेरा चेहरा आ जाए, बस मैं वही से ही ज़्यादा मैं TV में आ जाए, बस यही मैंने सोचा था। लेकिन मैं इतनी दूर आगे आ जाऊंगी, टॉप 18 से लेके आज टॉप 5 से लेके मैं जीत गई, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। ऐसा नर्वस नहीं था? हाँ, मुझे बीच में ऐसा लगा था लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने बहुत ही मेहनत, और जनता ने ज़्यादा की ज़्यादा मुझे वोट किया है कि थैंक यू सो मच जनता, आपने ऐसा मुझे वोट किया। और फेसबुक फ्रेंड से भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि वो लोग मैं हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। हाँ, ये सच बात है कि गीता माँ ने मुझे इतनी अच्छे अच्छे एक्ट नहीं देते, मेरे पीछे हमेशा के लिए डांस के लिए सपोर्ट नहीं करते, या मुझे घिसते हुए, मतलब जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 18 घंटा हम लोग प्रैक्टिस करते थे, वो सब नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाती थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन टेरेंस रेमो बहुत ही अच्छे हैं जो कि हमेशा जो भी बैड पॉइंट्स या गुड पॉइंट्स देते थे वो सोच समझ के देते थे। नहीं, मम्मी पापा हमेशा मुझे आशीर्वाद देते थे, तू बेटी कर सकती है, और गीता माँ सब तुम्हारे भगवान हैं, उनसे आशीर्वाद लो और तुम कामयाब जरूर मिलेगी। मैं फ्यूचर में कुछ अच्छे से एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और मैं बच्चे लोग को सिखाना मुझे बहुत पसंद है, उन लोग के लिए डांस क्लास खोलूँगी और बच्चे लोग को सिखाऊँगी। मैं उड़ीसा के लिए तो DID के लिए प्राउड फील कर लिया, और मुझे बॉलीवुड में काम मिलेगा तो मैं भी बहुत काम करूँगी, और मुझे डांस का कुछ और मौका मिलेगा तो मैं अच्छे से अच्छे मेरे टैलेंट को और दिखा सकती हूँ। मुझे तो ज़्यादा सलमान खान को पसंद है और कटरीना कैफ को बहुत। ओके, सो